हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज प्लानिंग चैप्टर 4 का ये दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड केस स्टडीज जो बोर्ड लेवल की होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो हम लोग शुरू कर चुके हैं, हमें कहीं भी रुकना नहीं है, वक्त को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, जो भी लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें। तो बात करते हैं इस टॉपिक की, आज का टॉपिक क्या है। हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रॉपर वे में सुने ताकि आप केस स्टडी मेरे साथ सॉल्व कर सके, वरना आप चुप रहेंगे, केस स्टडी के टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मैं आपसे कहता हूँ कि आज की क्लास को मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, आप स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप सोचिए, अगर आपने एक अपना मिशन बना लिया है कि इस बार 90% प्लस या 95% प्लस मार्क्स आपको लाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस है तो सबसे पहले आपको बताया गया कि आप करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी अपना उद्देश्य सेट करेंगे। यानी जैसे ही आपने अपना उद्देश्य बनाया कि मुझे 90% प्लस मार्क्स लाना है, तो आपने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, यानी आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा बताएंगे, अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो दूसरा है डेवलपिंग प्रेमिसेस, है ना। आप प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं। अब आप पूछेंगे, सर ये प्रेमिसेस क्या होता है। प्रेमिसेस का मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा। उस हिसाब से आप अपने प्लान को बना करके रखते हैं कि अगर मुझे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आफ्टर इंटरमीडिएट एडमिशन लेना है और ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरा मार्क्स कम आ गया, मुझे 95% मार्क्स चाहिए था और 90 आ गया, तो उसके लिए हम क्या तैयारी करके रखेंगे, उसको कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। उसके बाद बात करेंगे, गिवन है, कहा जा रहा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कहा गया इसमें क्या सीन होगा। यानी अगर आपको 95% प्लस मार्क्स चाहिए तो आप सबसे पहले पहचानिए कि क्या अल्टरनेटिव आपके पास हैं जिनका इस्तेमाल करके आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि आपको हशम सर की क्लासेस, यानी रैपिड कॉमर्स क्लासेस को बराबर देखना है, साथ ही साथ ग्रुप से भी जुड़ना है और स्टडी मटेरियल्स को लेते रहना है ताकि उनको सॉल्व करके, क्लासेस को देख करके, चूंकि लॉकडाउन है आपको पता है, ऑफलाइन क्लासेस यानी कोचिंग जिसका नाम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस है वो हमारी नहीं चल पा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस मैं चला रहा हूँ। तो बात करूँगा मैं, सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी कि आप अल्टरनेटिव तलाशें। आपको हशम सर का चैनल देखने के अलावा आपको किस स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको अल्टरनेटिव कहा जाएगा। यानी सिर्फ आप अपनी बुक न पढ़ें, आप चैनल को भी देखते रहें, आप अलग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें, आप एनसीईआरटीज को भी पढ़ते रहें, ये सारे अल्टरनेटिव हैं। यानी गिवन है इस क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कौन कौन से हमें कोर्सेज ऑफ एक्शन करने पड़ेंगे। क्या हमें चैनल को भी देखना पड़ेगा, क्या हमें स्कूल भी जाना पड़ेगा, क्या हमें कोचिंग भी करना पड़ेगा, क्या एनसीईआरटीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैं। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है, फोर्थ पॉइंट पे चले, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा अल्टरनेटिव कोर्सेज का। आपके पास ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं कि इन टीचर्स से भी हम पढ़ सकते हैं और दूसरे टीचर्स जो अवेलेबल हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर इवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करेंगे आप, इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव कोर्सेज, यानी आपने उनका इवेल्युएशन करना शुरू किया और आप इवेल्युएशन कर चुके। उसके बाद क्या सीन होगा,
सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब आपको देखिए कभी भी बताया गया है कि आपको दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू कॉमर्स, अगर कॉमर्स में मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, आपको एक अल्टरनेटिव चुन लेना चाहिए और अपने 90% या 95% को लाने के लिए आपको मेरे साथ लगातार, मतलब लास्ट तक जुड़े रहना चाहिए। अगर आप एक अल्टरनेटिव नहीं चुनेंगे और कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर भागते रहेंगे, तो ये सीन क्रिएट होगा कि ना आप यहाँ के होंगे ना आप वहाँ के होंगे। एक मिसाल है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ये मिसाल बहुत अच्छी होती है उन लोगों के लिए। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें नेगेटिव इंसेंटिव के रूप में, नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में आप ले सकते हैं। बात क्या है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, यानी एक अल्टरनेटिव आपने एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको इस चैनल पर बताया गया, आपने उसको मान लिया, तो क्या हुआ आपके पास, आपने सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव और आप एक साथ एक लोग के साथ एक चैनल पर मिल करके पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद गिवन है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी अगर आपने ये सब प्लान बना लिया कि मुझे 95% प्लस मार्क्स चाहिए, आपने पता भी कर लिया कि आपका क्या है, मतलब प्रेमिसेस भी डेवलप कर लिया, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया अल्टरनेटिव, फिर उसमें से सेलेक्ट भी कर लिया, तो अब उसके बाद ज़रूरत है कि अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जो कहते ज़रूर हैं कि मुझे 95% प्लस मार्क्स लाना है, 90% प्लस मार्क्स लाना है, लेकिन ये सिर्फ वो सोचते रह जाते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है और वो सोचते रह जाते हैं। सबसे बड़ी प्लान की चीज़ ये है कि अगर आपने प्लान किया है तो इम्प्लीमेंट करिए, मतलब लागू करिए। जब तक आप उसको ज़मीन पर नहीं उतारेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। मतलब प्लान बना के आप छोड़ मत दीजिए, प्लान बड़े बड़े बना लिए और उसको छोड़ दिया, जब तक उस प्लान पर आप काम ना करें, यानी उसको इम्प्लीमेंट ना करें। आगे गिवन है, कहा जा रहा है ये आपको कि फॉलो अप एक्शन, यानी आप एक्शंस को जो उसके अकॉर्डिंग है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उनको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। अब हम देखेंगे, ये हमने समझ लिया है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, इसको हम समझ लिया हम लोगों ने। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान की बात करेंगे, इनको भी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने अभी इस एग्जांपल को समझा है। आप अगर खुद पर लेकर के एग्जांपल्स को समझेंगे तो ये आपको काफ़ी ईजी लगने वाला है। बात करें अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान की, तो सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है तो वो है सिंगल यूज़ प्लान। क्या मतलब होता है सिंगल यूज़ प्लान का, मतलब ऐसा प्लान जिसका एक बार आपने प्लान बना करके इस्तेमाल कर लिया, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। आप में से मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि एक बात बताइए, अगर हम बात करें सिंगल यूज़ प्लान की, आपने एक बार 12th पास करने के लिए प्लान बना लिया 95% प्लस मार्क्स, अब आपके 95% प्लस मार्क्स आ भी गए, तो क्या आप फिर से क्लास 12th के लिए कोई प्लान बनाएंगे? नॉट एट ऑल। अब आप प्लान बनाएंगे आगे के लिए, मतलब ये जो आपका प्लान था ये एक तरह से सिंगल यूज़ प्लान था, क्योंकि आपने एक टास्क आपका पूरा हो गया, अब इस टास्क के पूरे होने के बाद उसमें आगे कोई टास्क नहीं है, उसको हम वहीं पे पूरा करके फिनिश कर देंगे, तो ऐसे प्लान को हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं, एक बार हमने अचीव कर लिया अगर। उसके बाद दूसरा प्लान आता है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स की बात करें तो ये प्लान्स रिपीट होते रहते हैं। अगर हम बात करें, आपने अपने लिए प्लान बनाया, उसके बाद आगे अगली क्लास के लिए, उसके बाद अगली क्लास के लिए, ऐसे आप लगातार प्लान बनाते रहे, मतलब प्लान को आपने वहाँ पर फिनिश नहीं किया। इसका एग्जांपल दूसरा भी आप देख सकते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो ये प्लान है जिनको आप कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, मतलब प्लान आपके रिपीट होते रहते हैं। आप बड़ी कंपनी की बात करें, अगर जियो की बात करें, अगर टाटा कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो स्टैंडिंग प्लान्स यूज़ होते हैं, क्योंकि प्लान्स इनके रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी। अगर आप किसी काम के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, याद रखिए स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप प्लान जो बनाए हुए हैं उस पर आपने बिल्कुल फोकस करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर आप जब उस पर काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजी मतलब, ये स्ट्रेटेजी शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेटेजी शब्द ही जो है वो सेना से लिया गया है। इसका मतलब होता है
कि प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति तैयार करना। तो आप यहाँ पर अपनी रणनीति क्या तैयार करेंगे कि किस तरह से हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, यानी किस तरह से अपने किले को फतेह करना है, किस तरह से अपने टारगेट को पूरा करना है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। यानी जब आप स्ट्रेटेजी मतलब तैयार कर लेते हैं पूरी रणनीति, किस तरह से आपको लड़ाई करनी है। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है पॉलिसीज़, यानी कौन सी पॉलिसीज़ को आप मानेंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप उसके ऊपर पॉलिसी बनाएंगे कि हम इस तरह से काम करेंगे। कोई भी एग्जांपल आप अपने ऊपर ले सकते हैं, और ये जो एग्जांपल है वो बहुत इजी है। आपने पॉलिसी बना लिया कि आप चैनल पर आकर के पढ़ेंगे, फिर स्टडी मटेरियल्स जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है उसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करेंगे, और फाइनली हमको 95% प्लस मार्क्स अचीव होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गई आपकी पॉलिसी। आगे बात करेंगे प्रोसीजर्स, यानी क्या प्रक्रिया होगी उनको पूरा करने के लिए। पॉलिसी आपने बना लिया, तो अब ये प्रोसीजर्स क्या है, यानी प्रक्रियाएं क्या क्या उसमें लगेगी। भाई जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ समझिए, इन सब काम को पॉलिसीज़ को बनाने के बाद कि मुझे पढ़ना है, करना है, ग्रुप में आपको मिलने भी लगा, चैनल पर आप आने भी लगे, लेकिन प्रोसीजर आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम दिए आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो आपको ये प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से आपको घर से निकलना है, फिर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे करके फाइनली आपको मार्कशीट मिलेगी। तब ये प्रोसीजर्स हो गए जो रास्ते में आपका काम पड़ा। उसके बाद मेथड्स, क्या मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपने मेथड इस्तेमाल कर लिया। मेथड का मतलब समझें, जब क्वेश्चन में आएगा अभी आपको मुझे लाइव चैट में, या अगर आप लाइव के बाद देख रहे हैं तो बाद में भी आपको जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम लाइफ की बात करें तो मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड का मतलब होता है किस तरह से हम काम को करेंगे, क्या तरीका होगा। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि आप जब अपने काम को करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब मेथड का, आपने प्लान बना लिया कि पहले हम हेडिंग्स लिखेंगे, फिर सब हेडिंग्स लिखेंगे, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम डेटास को प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेथड, यानी किस तरह से आपने, किस मेथड पे आपको काम करके अपने टारगेट को पूरा करना है। उसके बाद गिवन है, कहा जा रहा है रूल्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया है, समझाया है, हर एक चीज़ में, हर एक काम में अच्छा खराब रूल होता है। आप कोई भी गेम खेलिए, उसमें रूल्स होते हैं कि इस तरह से आप करिए तब आपका काम पूरा होगा, या इस तरह से काम को करिए तब पूरा होगा। मतलब रूल्स रेगुलेशन की जहाँ पर बात हो जाए, कुछ बनाया जा रहा है कि ये रूल है, आपको इस तरह से ही गेम खेलना है, इसके बाहर नहीं जाना है, विकेट को थोड़ा सा छोड़ करके आपको खड़े होना है, या बॉलिंग करते वक्त आपको इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, इनको हम कहते हैं रूल्स। इस तरह के सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे तो केस स्टडी में हम बताएंगे रूल्स। आप इन सिम्टम्स को सुनते रहिए, क्योंकि इन्हीं इसी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी अभी होने वाला है, और उसमें आप चुप हो जाएंगे अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना। तो अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की। प्रोग्राम आपको अंडरस्टूड है, प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल आप प्रॉपर वे में करते रहते हैं, यानी आपको काम करने के लिए एक प्रोग्राम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद बात आएगी बजट्स की। तो बजट्स का मतलब जो आप जानते हैं अपनी भाषा में, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। आप यहाँ पर समझेंगे कि बजट का मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपका होने वाला है, यानी आप 95% या 96% या 100% या 92% जो आप लाने वाले हैं, उनको न्यूमेरिकल टर्म में समझना ही बजट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का पूरा टॉपिक जिसको हमने पढ़ लिया है। अब इन टॉपिक्स को किसने बहुत अच्छे से पढ़ा है और किसने सही से नहीं पढ़ा है, ये मुझे तब पता चल जाएगा जब मैं लाइव चैट में आपके आंसर्स देखूंगा। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं एक केस स्टडी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं लाइव चैट में आपके लिए एक्टिव हो जा रहा हूँ, आप भी लाइव चैट में बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, ताकि जैसे जैसे मैं सिम्टम्स बताऊँ आप तुरंत मुझे जवाब देते रहिए और फील करिए कि हाँ वाकई आपने क्लास में कुछ सही पढ़ा है। तो आइए देखते हैं केस स्टडी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इंटरेस्टिंग हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम इंटरेस्टिंग केस स्टडी को अब शुरू कर दे रहे हैं। अगर बात करें इस केस स्टडी की, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जो एक सबसे इजी तरीका होता है वो ये होता है कि आप, आज का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं कि आप सबसे पहले लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़िए। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद केस स्टडी को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे केस की,
तब आपको जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का ज्ञान वो ये है कि जब भी केस स्टडी सॉल्व करिए तो सबसे पहले नीचे क्या क्वेश्चन पूछा है उस पूरी केस स्टडी के बाद उसको देखिए। तो आइए देखते हैं इस केस स्टडी में पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर हम आपको सिम्टम्स बताते रहेंगे और आप उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मुझे लाइव चैट में आप जवाब देते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब देते रहेंगे और हम आपको बिल्कुल रिप्लाई भी करेंगे। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप जानिए, आप सीधे क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है कि व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट मेंशन अबव, यानी कह रहे हैं कि क्या जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें और कुछ नहीं इस केस स्टडी में बल्कि प्लांट्स को तलाश करना है कि जितने अभी हमने प्लांट्स पढ़े हैं उनमें कौन कौन से प्लांट्स इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। गिवन है इस केस स्टडी में कि इन चक दे मूवी, मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हारे काम की चीज़ है, काफ़ी फनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा केस स्टडी, बट इट डजन मीन कि ये कोई फालतू का केस स्टडी है, ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और दोबारा इस तरह के क्वेश्चन बनने के पूरे एक्सपेक्टेशन हैं। तो आइए बात करते हैं, गिवन है कि चक दे मूवी, यानी चक दे मूवी में क्या होता है, शाहरुख खान बिकम्स द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम, यानी यहाँ तक अभी तक कोई सिम्टम हमें नज़र नहीं आया है। शाहरुख खान है, वो चक दे मूवी है, उसमें गर्ल्स की जो टीम होती है उसमें वो कोच बना हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है ही नोज दैट ही हैज टू प्रिपेयर द गर्ल्स फॉर द इंटरनेशनल हॉकी मैचेस एंड विन द कप। लो जी, यहाँ से लेकर के अगर हम कप तक की बात करें तो प्लांट्स जो मैंने अभी आपको बताया है एक सिम्टम्स आ गया। एक सिम्टम क्या आया, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे इसमें कहा गया है ही नोज, यानी वो जानता है किस बारे में कि ही हैज टू प्रिपेयर द गर्ल्स, वो जानता है कि उसको गर्ल्स को प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरनेशनल हॉकी मैचेस एंड विन द कप, और उसे कप को जीतना है। जैसे कि आप जानते थे कि आपको 90% प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या सिम्टम था, वो कौन सा प्लान था, कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में मुझे आप बताते रहिए। आइए, पहला सिम्टम ये हो गया, उसके बाद कह रहे हैं दूसरे सिम्टम की बात करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, कौन सही जवाब देता है मैच करना है मेरे जवाब से लास्ट में। कह रहे हैं फॉर दिस ही प्रिपेयर्स अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंग्स ऑफ वेज ऑफ हाउ टू बीट द अपोनेंट टीम, यानी कह रहे हैं इसके लिए उसने किया क्या है कि उसने क्या किया है देखिएगा, कह रहे हैं फॉर दिस इसके लिए ही प्रिपेयर्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, यानी उसने लॉन्ग टर्म प्लान को आपके बना लिया है, यानी लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया एंड थिंग्स ऑफ वेज, और वो सोच रहा है कि हाउ टू बीट द अपोनेंट टीम। अगर हम बात करें, अगर वो कह रहा है हाउ टू बीट द अपोनेंट टीम, यानी एक तरह की रणनीति बना रहा है, वो मुझे पता नहीं है उस प्लान का नाम क्या है, ये सिम्टम नंबर टू नज़र आ गया आपको, ये सिम्टम नंबर टू नज़र आ गया। इसको क्या, कौन सा प्लान कहते हैं, पहले वाले का सिम्टम का कौन सा प्लान कहते हैं, ये मुझे लाइव चैट में और कमेंट सेक्शन में आपसे जानना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, गिवन है ही कोचेस द गर्ल्स टू प्ले इन डिफरेंट वेज, उसने अपनी लड़कियों को अपनी गर्ल्स को सिखाया कि उनको डिफरेंट वेज में पढ़ना है, डिफेंसिव ऑफेंसिव एट्सेट्रा। अगर हम बात करें डिफेंसिव की और ऑफेंसिव की, तो ये तीसरे सिम्टम को भी हमने पकड़ लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तरीके हैं जिससे हमें खेलना है। ये कौन सा प्लान है, ये आपको मुझे लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में बताना है। सिम्टम नंबर तीन भी पकड़ा गया। उसके बाद कह रहे हैं एट द आउटसेट ऑफ द मैच, क्या लिखा हुआ है, ही एक्सप्लेन Who will open the match? लो भैया, तीसरा चौथा सिम्टम भी, यानी जब बिफोर द मैच वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं एट द आउटसाइड ऑफ द मैच ही explains who will open the match, यानी कौन ओपन करेगा मैच, एंड हाउ द बॉल विल पास by वन प्लेयर टू another प्लेयर। तो अब आपको ये यहां से लेकर के यहां देखा जाए,
ये एट द आउटसेट ऑफ मैच, और इसके बाद यहाँ तक देखा जाए तो ये सिम्टम नंबर 4 है, यानी प्लान नंबर भी 4 है। तो अब आपको मुझे बताना है कितने लोगों ने सही जवाब दिया है लाइव चैट में और कितने लोगों ने गलत जवाब दिया है। इस बात को अब आपको मैच करना है। मैं इस केस स्टडी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। बात करूँ मैं, अगर लिखा हुआ ही नोज दैट ही हैज़ टू प्रिपेयर द गर्ल्स, मैंने आपको एज इट इज़ यही तो समझाया था ना कि आप जब जानने लग जाएं कि आपको 95% प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो समझिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी आपने अपना उद्देश्य बना लिया कि ऑब्जेक्टिव आपका यानी उद्देश्य क्या है। तो ये यहाँ पर जो है इस प्लान की पहले सिम्टम में प्लान की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात हुई है। आप अपने क्वेश्चंस को अपने आंसर्स को मैच कराते रहिए। उसके बाद सिम्टम नंबर 2 में देखें, अगर हाउ टू बीट द अपोनेंट टीम, यानी किस तरह से उनको हराना है। मैंने आपको समझाया था जब एक आपका प्लान आया था स्ट्रेटेजी, तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से 95% प्लस मार्क्स लाना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ। चैनल को भी देखना है, घर पर भी पढ़ना है, स्कूल पर भी पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी थी। तो सेम स्ट्रेटेजी यही है ये बना रहे हैं कि हाउ टू बीट द अपोनेंट टीम, यानी दूसरे सिम्टम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। प्लान नंबर 2 जो है आपका स्ट्रेटेजी, ये आप लिखेंगे दूसरे सिम्टम में। तीसरे सिम्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंसिव ऑफेंसिव, ये क्या था, किसने सही जवाब दिया, किसने गलत जवाब दिया, मुझसे सुन लीजिए। ये बात हो रही थी मेथड की, यानी कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे अपने मार्क्स को अच्छा लाने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आप हेडिंग लिखेंगे, आप सब हेडिंग लिखेंगे, आप कीवर्ड्स लिखेंगे, आप डेटाज लिखेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा है कि मैच को अगर जीतना है तो आपको क्या सिखाया जा रहा है, डिफेंसिव ऑफेंसिव वगैरह ये सिखा रहे हैं। तो यानी ये हो गया आपका मेथड, प्लान नंबर 3 भी कंफर्म हो गया। उसके बाद बात करें एट द आउटसेट ऑफ द मैच एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच, यानी सब चीज़ होने के बाद अब शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, यानी इसमें लास्ट में बात करें जब वो कह रहे हैं कि कौन मैच को ओपन करेगा, तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोसीजर की। आपने देखा ये प्रक्रिया में आ गया, अब ये स्टेप वाइज काम करते करते इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। आप में से कुछ लोग अब मुझे कहेंगे कि नहीं सर, कुछ केस स्टडीज़ और हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपका जवाब ये होगा आपके लिए कि केस स्टडी पर ही अगली पूरी क्लास होगी। अगली पूरी क्लास में कुछ थ्योरी नहीं बचा है, पूरा क्लास हो चुका है, 2 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमें पढ़ना है वो केस स्टडीज़ है, यानी तीसरा जो क्लास होगा इस चैप्टर से वो केस स्टडी स्पेशल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास आपको कैसी लगी इस बात को आपको लाइव चैट के अलावा कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना है, और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करना है। दूसरी बात कि आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते, अगर वाकई आप मेरे लिए कमेंट्स अच्छे लिख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी मेहनत, आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि आप दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।